तो फाइनली गाइस आज हमारे गेम के अंदर में प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट आ चुका है। लेकिन गाइस इसके अंदर से ना हम लोग को बहुत सारे रिवॉर्ड तो फ्री में नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ रिवॉर्ड फ्री में मिलेगा। तो चलिए गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन कौन सा रिवॉर्ड हम लोग को फ्री में मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो गाइस देखो ये रहा प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट का इंटरफेस। और गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप लोग टास्क में देख सकते हो। सो यहाँ पर डेली मिशन है, डेली मिशन को कंप्लीट करके यहाँ से 10-10 टोकन डेली ले सकते हो। तो इस टोकन से आप लोग सब कुछ ले सकते हो। तो कैसे क्या कुछ ले सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले ना ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मैंने गलती से नीचे से स्टार्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर लॉगिंग रिवॉर्ड है और इसके अंदर में भाई सब टोकन है। यार मेरे को लगा था कि कुछ अच्छा आइटम होगा जैसे कि इमोट या फिर ग्लूअल का स्किन, लेकिन गाइस इसके अंदर टोकन है तो कोई बात नहीं। और इसके अलावा गाइस उसके नीचे आप लोग देख मैच मैथम है, तो इसके अंदर में म्यूजिक है और कुछ टोकन है और कुछ छोटे मोटे आइटम है। और इसके अलावा अपना इवेंट आते हैं और उसके नीचे आप लोग देख सकते हो भाई सब अपना यूरोसन एम10 14.2.0 है। तो ये तो हमारे गेम के अंदर में पहले से आ चुका है। और गैसा आप में से बहुत सारे बंदे ने इस गन को निकाल लिया होगा और कुछ बंदे ने मैक्स भी कर लिया होगा, बट गैस यहाँ पर मैंने निकाला नहीं है। चाहे तो मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास डायमंड है, बट गैस वही डायमंड से मैं आप लोग कुछ और इवेंट में डायमंड स्पिन करके दिखाऊंगा जो इवेंट के बारे में आप लोग को पता चले, इसलिए मैंने डायमंड को संभाल के रखा है। और इसके अलावा हम लोग इवेंट में चलते हैं। और गाइस उसके नीचे में आप लोग देख सकते हो अपना मोको स्टोर इवेंट है जो कि आज सुबह ही हमारे गेम के अंदर में आया है। और गाइस इस मोको स्टोर इवेंट के अंदर में ये जो ब्लू फिस्ट का स्किन है इसे मैंने सिलेक्ट करके रखा है, क्योंकि गाइस मेरे को स्कॉर्पियो फिस्ट के स्किन से ज्यादा अच्छा लगा ये अपना ब्लू फिस्ट का स्किन। वैसे तो मैं इसे निकालूंगा नहीं, बट ऐसे ही रख दिया है। और इसके अलावा गाइस हम लोग अपने इवेंट के अंदर चलते हैं। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टास्क है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर से हम लोग को टोकन मिलेगा और डेली 10-10 टोकन मिलेगा। लेकिन इस टोकन को लेने के लिए इसका मिशन में कंप्लीट करना पड़ेगा और इसका मिशन आप लोग कंप्लीट कर सकते हो गेम खेलकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जितना ज्यादा गेम खेलोगे उतना जल्दी उसका मिशन कंप्लीट होगा और उतने जल्दी आप लोग लेवल अपग्रेड कर सकते हो, अपना रिवार्ड को ले सकते हो। तो लेवल अपग्रेड कैसे करें, कहाँ पे करें वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो अपना मेमोरी है जिसके अंदर में ताला लगा है तो ये कब अनलॉक होगा, इसके अंदर में क्या कुछ रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो राइट साइड में क्रेट को देख सकते हो जिसके अंदर में अपना सब कुछ है, मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट का जितना भी रिवार्ड है तो इसी के अंदर ही है। तो देखो आप लोग को टोकन कलेक्टर के लिए कहना है तो यहाँ पर स्पिन करना है, ठीक है, मतलब कि लेवल को उसका बढ़ाना है। और लेवल बढ़ाने के बाद इसके अंदर से आप लोग को रिवार्ड मिलेगा, जैसे कि एक क्रेट के अंदर में अपना बैनर है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सही है। और इसके अलावा और एक क्रेट के अंदर में अवतार है, तो ये अवतार भी दिखने में काफी ज्यादा मस्त है। और इसके अलावा आप लोग अगर 3 लेवल कर देते हो ना तो आप लोग को ओरियन कैरेक्टर तो नहीं मिलेगा लेकिन उसका बंडल मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप लोग यहां पर ओरियन कैरेक्टर का बंडल को देख सकते हो, तो दिखने में काफी मस्त बंडल है, मेरे को ये बंडल काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आया कि इसका बंडल को लेकर क्या करेंगे, मतलब कि ओरियन कैरेक्टर तो नहीं है, मैं आप लोग बता दूं 4 लेवल के अंदर में यानी सबसे लास्ट लेवल के अंदर में ओरियन कैरेक्टर है। तो आप लोग को बहुत सारे टोकन देकर इसका लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोग ओरियन कैरेक्टर तक पहुंच सकते हो और बिल्कुल फ्री में ओरियन कैरेक्टर को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और हाँ गाइस इसके अलावा ये जब मेमोरीज को देख सकते हो जिसके अंदर में लॉक लगा है, तो आप लोग जैसे ही टोकन से लेवल को अपग्रेड करोगे फिर इसका लॉक खुल जाएगा। इसके अंदर में कुछ रिवार्ड तो फ्री में नहीं मिलेगा, बस आपको कुछ बताया जाएगा, कुछ नोटिस वगैरह रहेगा जिससे आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बस गाइस यही सब था अपना प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट के बारे में जो कि मैंने आप लोग को फुल डिटेल के साथ में बता दिया है। आई होप कि मैंने आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिया होगा। तो इसी बात पर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाकी आप लोग कमेंट कर देना कि मैंने आप लोग को प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट के बारे में अच्छी तरह से बताया है या फिर नहीं। तो और तो कुछ नहीं है गाइस, मैं मिलता हूं आप लोग से बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।